अमन का रास्ता खोलने का आज़म, खुश आमदीद जी आया नू। करतारपुर बॉर्डर खोलने की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिद्धू वफ्द के हमरा बांका के रास्ते लाहौर पहुंच गए। भारतीय सहाफियों का 15 रुकनी वफ्द भी लाहौर पहुंचा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट, वरना चालान के लिए तैयार हो जाएं। 1 दिसंबर से मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद पर हेलमेट पहनना पाबंदी लाजमी करार। दोनों मोटरसाइकिल सवार की हेलमेट की पाबंदी ना करने पर चालान होगा, हाईकोर्ट का हुक्म। हेलमेट की पाबंदी ना करने पर 2 लाख से ज्यादा चालान किए। सीटीओ ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। साइड मिरर ना लगाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए, अदालत का हुक्म। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तालीमी इदारों के ग्राउंड्स की बहाली का केस, 3 माह गुजर गए, अब तक ग्राउंड्स क्यों बहाल नहीं की। चीफ इंजीनियर एलडीए हमेशा अदालत को गुमराह करते रहे। जस्टिस अली अकबर कुरैशी बरहम, चीफ इंजीनियर की गैर मसरूत मुआफी मुस्तरद कर दी। ग्राउंड्स की बहाली से मुतालिक हकायक जानने के लिए कमीशन तश्कील। ग्राउंड्स बहाल ना हुए तो चीफ इंजीनियर को मुअत्तल करके 2 बजे रिपोर्ट दें, हाईकोर्ट का डीजीएलडीए को हुक्म। हाई कोर्ट की डेडलाइन पर इंतजामिया इन एक्शन, मॉल रोड और हॉल रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतअद्दिद तजावजात मिसमार, दुकानों से बाहर मौजूद सामान ट्रकों पर लाद कर ले जाया जाने लगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की करोड़ों रुपए मालियत की 32 इमलाक पर कब्जे का इंकशाफ, कई बरसों से इमलाक वागुजार हुई और ना वाजिबात ही वसूल हुए। शोबा रेगुलेशन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को मरास्ता जारी कर दिया। मंशा बम और उसका बेटा आसिम मंशा 7 दिन का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश। मुलजमान पर सरकारी जमीन पर कब्जे और एलडीए टीमों पर हमले के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद से एनेस्थीसिया कोर्स मुकम्मल करने वाले माहरीन की मुलाकात। एनेस्थीसिया माहरीन को पुरकशिश तनख्वाहों और मुराहत देंगे, माहरीन को मुआवजे के अलावा ऑपरेशन फीस भी मिलेगी, डॉक्टर यास्मिन राशिद। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में बगैर सर्टिफिकेट दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी। दाखिले के लिए बच्चे के साबिका स्कूल का सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी होगा, इतलाक सरकारी और निजी स्कूल्स दोनों पर होगा। शहबाज शरीफ की कल एहतसाब अदालत में पेशी, नून लीग का भरपूर एहतजाज का प्रोग्राम, अहदेदारों कारकुनों को अदालत पहुंचने की हिदायत। परवेज मलिक ख्वाजा इमरान नजीर अदालत के बाहर एहतजाज की क्यादत करेंगे, पेशी पर न आने वालों की लिस्ट बनाएं, हमजा शहबाज की परवेज मलिक को हिदायत। किफायत शारी मुहिम, कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने अफसरान के जरिए इस्तेमाल दर्जनों गाड़ियां वापस मंगवा ली। सिर्फ जरूरत की गाड़ियां रखें, बाकी फरोख्त कर दें, सूबाई वजीर तालीम मुराद राज। घर का मुलाजिम ही घर का चोर निकला, जौहर टाउन में घर से सोने के जेवरात चुरा कर भागने वाला मुलाजिम रंगे हाथों गिरफ्तार। इतला मिलने पर डॉल्फिन एहलकारों ने मुलजिम को दबोच लिया। तबलीगी जमात यूरोप के अमीर मोहम्मद इसहाक पटेल के नमाज जनाजा की तैयारियां, जनाजे में शिरकत के लिए रायविंड इज्तिमागाह में लोगों की बड़ी तादाद आमद। मरहूम मोहम्मद इसहाक हाजी अब्दुल वहाब की तासीयत के लिए पाकिस्तान आए थे। सेफ सिटी अथॉरिटी 1000 तफ्तीशी अफसरान को तरबियत देगी, सेफ सिटीज अथॉरिटी से हसूल फुटेज बारे तरबियती कोर्स का आगाज, इंस्पेक्टर्स सब इंस्पेक्टर्स और एएसआई कोर्स में शरीक। निशात होटल में टेक्सटाइल के शोबा में पेशेवराना सेहत और तहफ्फुज़ से मुतालिक कॉन्फ्रेंस, सरमायाकारी पर अखराजात और फवायद से मुतालिक तबादला ख्याल, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद महकमा लेबर पंजाब और जर्मन कंपनी ने किया।
कानूनी की बहुत याद आ रही है। केस जल्द निपटाया जाए। मुनशियात केस में गिरफ्तार क्रिस्टा पेशी के मौके पर अहाते अदालत में रो पड़ी। सेशन कोर्ट ने तरमीमी चालान के आखिरी गवाह को शहादत के लिए तलब कर लिया। कनेट कॉलेज में तलबा के चौके और छक्के। विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में तीन टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। कौमी खवातीन टीम के खिलाड़ी में भी मैच में शरीक। नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में शानदार मुकाबले। रेलवे ने खैबर पख्तूनख्वा की टीम को 22 गोल से शिकस्त दी। पाक आर्मी और सेंट वाइट्स की टीम मुकाबले।